हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करने वाली हूँ ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी के बहुत सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी शायद आपको पता होंगे, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस से लेकर अच्छी स्किन तक ही मिनिमाइज किया जाता है। उसके अलावा भी उसके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे उसके बेनिफिट्स है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। प्लस कई लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि जब भी ग्रीन टी लेती हूँ 10 या 15 दिन देने के बाद उसको मुझे बहुत सारी एसिडिटी हो गई, मुझे छाले पड़ गए, यहाँ तक बहुत ज़्यादा मुझे इंटरसीट्स लेने पड़े, तो जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो क्यों होते हैं, उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, एक दिन में आप कितनी ग्रीन टी ले सकते हैं, किस टाइम पर लेनी चाहिए और स्पेशली किन किन लोगों को ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है ग्रीन टी एक आम चाय है जो हर कोई ले सकता है। चाय ऐसी चीज़ है जो पानी के बाद बहुत ज़्यादा पी जाती है पूरे देश में और स्पेशली इंडिया में, तो जो चाय की तरह इसको नहीं पी सकते। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल सकते हैं हम, जिसमें ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, तो आज वो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले स्टार्ट करते हैं ग्रीन टी के बेनिफिट्स क्या क्या है। टी का टाइप होता है वो कैसे हम पता कर सकते हैं या फिर उसको कैसे डिसाइड होता है, तो जो टी लीव्स होते हैं उसके ऊपर जितने मात्रा में ऑक्सीडेशन किया जाता है उसके ऊपर उसका टाइप डिसाइड होता है। और ये जो ग्रीन टी होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो अनऑक्सीडाइज होते हैं, इसीलिए ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसके अंदर EGCG करके एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिर पॉलीफिनॉल होता है जो हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए, डाइजेशन के लिए, फिर वो कैंसर तक फाइट कर सकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा होती है उसकी वजह से ये बहुत ही फेमस बोल सकते हैं और उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो उसका सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है हार्ट के ऊपर। जो हमारा हार्ट होता है वो उसके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है उसको ये हेल्दी रखता है, और स्पेशली कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है बॉडी में वो मेंटेन रखता है। उसकी वजह से यदि जिसको हम बोल सकते हैं कि जिसके पापा को या फैमिली में हार्ट अटैक की जिसको टेंडेंसी रही होती है, यदि वो लोग ये ग्रीन टी पहले से पीना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको आगे चल के ना ही कोलेस्ट्रॉल की कंप्लेन हो सकती है और ना ही कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट स्ट्रोक, तो इस तरह से कंप्लेन रोक सकते हैं हम। दूसरा इसका मेन जो बेनिफिट बोल सकते हैं वो है स्किन के ऊपर। इसमें जो मैंने बोला था EGCG है और जो पॉलीफिनॉल है वो क्या काम करेगा, वो सेल डैमेज होने से प्रिवेंट करेगा, यानी कि आपके सेल को डैमेज नहीं होने देगा। उसकी वजह से यदि आपकी स्किन बहुत ही ड्राई रहती हो तो उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरा, यदि आपको स्किन डिजीज हो रहे हैं यानी कि एक्जिमा, सोरियासिस है या फिर डर्मेटाइटिस है, तो यहाँ पर ग्रीन टी पीने से कुछ लेवल तक उसमें बेनिफिट मिलता है और आगे चल के वो कम भी हो जाता है। तीसरा इसका मेन बेनिफिट है ब्रेन पर। यदि आपको बार बार भूलने की बीमारी है तो आप ये ग्रीन टी डेली मात्रा में लेंगे तो आपका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगा। जिसको डिमेंशिया की तकलीफ हो जाती है ओल्ड एज में, कि आपकी दादी नानी जिसको बोलेंगे कि भाई उसको कुछ याद नहीं रहता था, तो आगे चल के आप अभी से पीने लगेंगे तो डिमेंशिया की तकलीफ नहीं होगी। और फिर अल्जाइमर डिजीज में भी बेनिफिशियल रहता है, तो ब्रेन ऊपर के ऊपर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तीसरा, जो कैंसर सेल होते हैं इसको ये प्रिवेंट करता है। इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल होता है, मैंने जैसे आगे बताई, ये सेल को डैमेज होने से रोकता है, तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है और फिर दूसरा जो पॉलीफिनॉल होता है वो कैंसर सेल होता है उसको ग्रोथ नहीं होने देता, या फिर आपके जो सेल होते हैं उसको कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो बहुत सारे कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर या फिर लीवर कैंसर, आंत का कैंसर, फिर फीमेल में जो होता है ओवरी और यूट्रस, मेल में होता है प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर को रोकने की इसमें शक्ति पाई गई है, इसे बहुत सारे एविडेंस भी है, तो कैंसर भी ये प्रिवेंट कर सकता है। फिर डाइजेशन में भी इसका अच्छा रोल होता है। ग्रीन टी ऐसा बोलते हैं कि जो एसिड लेवल होता है आपके स्टमक में वो बढ़ाता है, तो इससे अच्छे से डाइजेशन हो जाए। किसको ऐसा बोलते हैं कि भाई मैं खा लूँ तो उसके बाद पेट बहुत भारी भारी रहता
लेता है, थोड़ा सा भाग खा लेते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया। तो यहाँ पर ग्रीन टी क्या करेगी, वो आपके अंदर जो स्टमक का एसिड बोलते हैं उसका सिक्रेशन बढ़ाएगा, यानी कि वो मेंटेन करेगा, जिससे आपके जो फूड प्रोसेसिंग का टाइम है वो कम हो जाएगा, बहुत फास्ट इसका डाइजेशन हो जाएगा। और इसीलिए बोलते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, जो ये ग्रीन टी है उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसका एक काम ये भी होता है कि ये आपकी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो इसीलिए ये वेट लॉस में भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल वेट लॉस हो जाएगा एंड में। दूसरा इसका मेन बेनिफिट ये है, आपके बॉडी डिटॉक्स करेगी, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करेगी। तो इसीलिए जब भी आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उससे पहले यदि आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो उसके बाद जो पसीने के साथ आपके सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो ग्रीन टी यहाँ पर आप ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, जो आगे मैंने बताया कि कई लोगों को कंप्लेन होती है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा डकार आने की कंप्लेन गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें। तो यहाँ पर आपको ग्रीन टी कभी भी भूखे पेट नहीं लेनी है, यानी कि आप खाली पेट ग्रीन टी नहीं ले सकते। उससे क्या होगा, एसिड सिक्रेशन बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आगे बताया ये आपके स्टमक में एसिड सिक्रेशन बढ़ाता है, तो उसकी वजह से आपकी जो इंटरनल लाइनिंग होगी वहाँ पर छाले पड़ जाएंगे, आपको एसिडिटी की कंप्लेन बढ़ जाएगी और आपको फिर डकार आएगा, बहुत ही जलन होगी पेट में, ये सारी कंप्लेन बढ़ जाएगी जब आप उसको भूखे पेट लेते हैं। तो ऑलवेज ग्रीन टी कुछ भी खाने के बाद लेना, जब भी आप खाएं उसके आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले लेनी है। और ये चाहे आप सुबह नाश्ता करने के बाद लो या फिर दोपहर में, रात में कभी भी ग्रीन टी नहीं लेनी है, यानी कि ग्रीन टी पी के आपको सो नहीं जाना है। तो ये ग्रीन टी आपको कब लेनी है, दूसरा कितनी मात्रा में लेनी है, तो मैक्सिमम 2 कप से ज़्यादा ग्रीन टी कभी भी नहीं पीनी है, और 1 या मैक्सिमम 2 कप। तो अब बात करते कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में जहाँ पर आप ग्रीन टी नहीं ले सकते। तो उसमें सबसे पहले यदि आप एस्पिरिन लेते हैं तो एस्पिरिन के साथ आप ग्रीन टी नहीं पी सकते, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेटलेट होते हैं जो आपके ब्लड को कोएगुलेट करते हैं, जब भी आपको चोट लगती है तो तुरंत ही वहाँ पर ब्लड होता है वो रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्लेटलेट आ जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएगा और ब्लड रुक जाएगा। तो यदि आप एस्पिरिन और ग्रीन टी दोनों साथ में लेंगे तो ये जो मैकेनिज्म है क्लोटिंग वाली मैकेनिज्म वो लेट हो जाएगी, ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, तो एस्पिरिन के साथ आपको ग्रीन टी नहीं पीनी है। दूसरा, यदि आप कोई और स्टिमुलेंट लेते हैं, जैसे कि कोई और ड्रग्स लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, कैफीन, तो कोई और भी चीज़ लेते हैं उसके स्टिम्युलेंट के साथ ही ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आपके हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और उसके चलते आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तीसरा, जिसको हाई बीपी की तकलीफ होती है, हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है, जिसके बहुत ज़्यादा हाई रेट जो हार्ट रेट होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोई आपको सुना होगा कि मुझे हार्ट रेट की तकलीफ है, तो यहाँ पर इन कंडीशन में ग्रीन टी नहीं पीने, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, हार्ट रेट भी बढ़ाता है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ऑलरेडी आपको हाइपरटेंशन की तकलीफ हो, आपको हाई हार्ट रेट की तकलीफ हो, वहाँ पर आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है। फिर जब भी कोई आप एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन लेते हैं, जो ब्लड थिनर्स जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी आप ग्रीन टी नहीं ले सकते। यदि आपको किडनी की कोई बीमारी हो, स्टोन वगैरह नहीं, लेकिन हाँ आपको किडनी डैमेज हो चुका हो, आप डायलिसिस वगैरह करवाते हो, तो वहाँ पर आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है। यदि आपको सिरोसिस ऑफ लीवर की तकलीफ हो या फिर लीवर कंप्लेन हो, तो वहाँ पर आपको ग्रीन टी नहीं लेनी है। इसी तरह से यदि आपको लंग में भी कोई प्रॉब्लम हो, तो लंग की कंप्लेन के साथ भी आप ये ग्रीन टी नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात हो गई किन किन लोगों को ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना मत भूलेगा। और हाँ, ये वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, लेकिन वो यदि अच्छी तरह से पी जाए, अच्छी मात्रा में पी जाए, अच्छे टाइमिंग पे पी जाए, तो ही उसके बेनिफिट्स मिलते हैं और उसके साइड इफेक्ट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।